नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़ ते इह तुहाडे सामने है पंजाब पुलिस दी ऑफिशियल वैबसाइट ते। नीचे सब तो पहले आप पैसे देख सकते हो सब इंस्पैक्टर दीआं पोस्टां ते हैड कॉन्सटेबल दीआं पोस्टां, ते थर्ड लिंक ते आपां क्लिक करके देख सकते हैं इंटैलीजेंस कॉन्सटेबल इन इन्वेस्टिगेशन कैडर दीआं जिहड़ी पोस्टां दी अनाउंसमेंट हो चुकी है। चलो इस ते आपां क्लिक कर लैंदे हां। इस रिक्रूटमेंट दे ऑफिशियल PDF विच आखिर इन्हां ने की कुछ मैंशन कीता है इस बारे आपां जाण लैंदे हां। तो दोस्तों 26 तरीक तो 26 जुलाई तो 9 बजे तो ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो लास्ट डेट जी इसका रहेगी 16 अगस्त तक आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक गल ध्यान समझ लो, जो तुम कॉन्सटेबल की पोस्ट फिल की है, सब इंस्पैक्टर की पोस्ट फिल की है, तो क्वालिफाइड हो, जे एलिजिबिलिटी है तो यह पोस्ट भी जरूर फिल कर दो, क्योंकि लगभग सिलेबस है जोड़ा है तिना पोस्टों का अधे तो ज़्यादा सिलेबस सेम रहेगा। इस बॉक्स में तुम कैटेगरी के हिसाब न पोस्टों की वंड देख सकते हो। इतने जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है तो इन्हों फीमेल का जो राखवा करना है इस विच मैनशन किया गया, जिवें कि जनरल कैटेगरी वास्ते 328 पोस्टा ने, इन्ह 328 पोस्टों के विचों ही 98 पोस्टा फीमेल कैंडीडेट्स वास्ते है। टोटल पोस्टों की गल करिए जी इंटैलीजेंस कैडर दिया ने 794 पोस्टा ने, तो फीमेल वास्ते यह पोस्टा 264 पोस्टा ने। इस तो बाद इन्वेस्टिगेशन कैडर दिया पोस्टों की गल करिए इतने भी तुम कैटेगरी के हिसाब से पोस्टों की वंड देख सकते हो। तो नीचे टोटल पोस्टों की गल करिए 362 पोस्टा टोटल ने, तो इन्होंने फीमेल पोस्ट वास्ते ने जी पोस्टा वो 118 नंबर ऑफ पोस्ट फीमेल कैंडीडेट वास्ते है। दोस्तों इन्होंने पोस्टों के रिगार्डिंग कोई भी तुम्हें जानकारी चाहिए है तो तुम इस इंस्टाग्राम से मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लै सकते हो। एंड इन्होंने पोस्टों वास्ते एलिजिबिलिटी की गल करिए, इंडियन नैशनैलिटी होनी चाहिए है, एज लिमिट है जी इन्होंने दसी है 1 जनवरी तो 21 साल तो लैके 28 साल विचकार का कैंडीडेट इन्होंने पोस्टों अप्लाई कर सकता है। हुण जे तुसीं 1 जनवरी तो पहला जां 1 जनवरी नूं 21 साल दे हो गए सी तां इस पोस्ट नूं अप्लाई कर सकते। इस तों इलावा SC ST वास्ते एक्सट्रा 5 सालां दी छूट इत्थे इन्हां ने मैनशन की हुई है। इस तों बाद क्वालिफिकेशन की गल करिए तां जिहड़े इंटैलीजेंस कैडर दीआं पोस्टां ने उस विच जां तां तुहाडे कोल ग्रैजुएशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए है जां ओ लैवल का एक सर्टिफिकेट होंगे इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो जी ग्रैजुएट होना चाहिए हो कि स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रैजुएशन हो तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। जी BSc BTech की होनी चाहिए है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस तो अलावा इतने पूरा रीड कर सकते हो कि BSc या BTech या BE की है तो इस पोस्ट में एलिजिबल हो। कॉन्सटेबल जी इन्वेस्टिगेशन कैडर में है उस विच तुसी जस्ट ग्रैजुएशन पास हो, जे BA BCOM BSc जो भी किए तो भी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड जी मेन गल है इस विच 10वीं क्लास में अपना पंजाबी सब्जेक्ट पास होना चाहिए। उस बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की गल करिए जी इंटैलीजेंस कैडर पोस्ट उस वास्ते जो मेल कैंडीडेट ने उन्होंने हाइट 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए है, तो फीमेल कैंडीडेट ने उन्होंने हाइट 5 फुट 1 इंच होनी चाहिए है। तो इन्वेस्टिगेशन कैडर की गल करिए इस विच भी 5 फुट 5 इंच दसी है, तो फीमेल के कैंडीडेट की भी 5 फुट 5 इंच जी हाइट होनी चाहिए है। तो सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए 2 स्टेज होगी, जिस विच पहला कि एक CVT टैसट होगा मल्टीपल चॉइस का MCQ बेस्ड, मतलब यह कंप्यूटर से होगा जिमें कौन बनेगा करोड़पति तुम देखे हो, उमें 4 ऑप्शन अपने सामने होंगे, एक तरह टिक मार के क्वेश्चन सेव करके उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पवेगा। एंड Stage 2 की गल करिए डॉकूमेंट वेरीफिकेशन होगी, फिजिकल मेजूरमेंट चैक किया जाएगा तुहाडी हाइट दायरे में आती है, इस तो बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट होगा। हुण काफ़ी कैंडीडेट का एक सवाल रहिंदा है सर जो पंजाब पुलिस का एग्जाम होगा वो कि लैंग्वेज होगा, तो इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ पंजाबी ते इंग्लिश दोवें लैंग्वेज ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, किसी भी पढ़ के तुम आंसर दे सकते हो। इस तों इलावा नीचे इन्होंने सिलेबस मैंशन किया हुआ, सब तो पहले आप गल करिए जनरल अवेयरनैस की, तो 40 नंबर का पेपर जनरल अवेयरनैस में आएगा, तो जिस रिलेटड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस मेरे चैनल पर तुम्हें काफ़ी मैं प्रोवाइड करवा देती है। इस तों इलावा लैजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड जुडिशरी रिलेटड भी मेरे क्लासेस से तुम्हें चैनल के MCQ क्वेश्चन की क्लास तुम्हें मिल जाएगी, एक बार विजिट जरूर कर लो। बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी कल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इंडिया एंड पंजाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलेंगे। इस तों इलावा मैथामैटिक के टॉपिक तुम देख सकते हो, 3 नंबर का पेपर जो मैथामैटिक का रहेगा इस एग्जाम में। इस तों इलावा मैंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको इन टॉपिकों में ही देखने को मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की गल करिए 3 नंबर का पेपर इस विच देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज इस तों बाद एंड पंजाबी लैंग्वेज यह 10 नंबर के एग्जाम में जरूर आएगी।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22 23 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।